एज यू सी कि हम स्लाइड पे आपको क्या दिख रहा है विनेगर एंड बेकिंग सोडा दिखाई दे रहा है बेसिकली विनेगर को तो आप जानते ही हो विनेगर जो है नूडल्स में डाले जाते हैं ताकि टेस्ट और यम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए नूडल्स का है ना तो नूडल्स में डालने पर विनेगर वो बहुत ही ज़्यादा यमी सा एक टेस्ट आ जाता है नूडल्स में और अगर मैं बेकिंग सोडा की बात करूं तो बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर में प्रेजेंट होता है और बेकिंग पाउडर जो है वो केक्स को पेस्ट्रीज को बटूरास को इडलीस को फ्लफी बनाने के लिए यूज होता है तो विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों के अलग अलग यूजेस तो हमें पता है डू यू नो व्हाट हमें नेचर पता है और एक और चीज विनेगर जो है हमारा एसिड एसिड है और इस विनिगर में कौन सा एसिड होता है एसिटिक एसिड होता है ये बात आपको ध्यान रखनी है और बेकिंग सोडा जो है वो अ टाइप ऑफ बेस है तो आप देख पा रहे हो एसिड और बेस दोनों आपस में अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा खुद सोचो और बताओ तो यस आज का टॉपिक ही हमारा यही है रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर एज यू ऑलरेडी नो हम कर रहे थे साइंस क्लास सेवेंथ चैप्टर सिक्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो पहले हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा और विनेगर को आपस में मिक्स करने के बाद होगा क्या तो आर यू रेडी टू गो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हमें बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों ही इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं उसके बाद आपको क्या करना है बेकिंग सोडा थोड़ा सा लेना है और आपको क्या करना है उसके बाद अपने विनेगर में डालना है ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है बहुत ही कम क्वांटिटी में आप बेकिंग सोडा और विनेगर का रिएक्शन कर कर देखो और ये रिएक्शन आप घर पर भी कर सकते हो ये साइंस एक्सपेरिमेंट आप घर पर ट्राई कर सकते हो बिल्कुल भी परेशान और प्रॉब्लम होने वाली बात ही नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, है ही बहुत इजी सा तो ट्राई कर कर देखना और अगर आप विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा डालोगे तो देख रहे कैसी हो कैसे एफरविसे प्रोड्यूस हुई और झाक झाक सा आपको दिखाई दे रहा होगा और ऐसी जगह आपने यहाँ नहीं कई बार आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को शेक करते हो तो बहुत ज्यादा एफरबेन्स गैस की प्रोड्यूस होती है तब भी आपको झाक झाक सा ऊपर से दिखाई देता है बॉटल जैसी खोली तो सारी झाक जो है बाहर आ जाती है बेसिकली इसमें भी आपको कुछ वाइट वाइट से बबल फॉर्मेशन दिखाई दिए तो आखिरकार ऐसा कैसे हुआ ये हम अब साइंस के लॉजिक के थ्रू देखेंगे तो अभी आपने रिएक्शन करा आपने क्या करा विनेगर जो कि क्या कौन सा एसिड है एसिटिक एसिड बेकिंग सोडा का कॉमन नेम अगर कहेंगे तो क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी केमिकल नेम बेकिंग सोडा जो है कॉमन नेम है और अगर केमिकल नेम की बात करें बेकिंग सोडा की तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है तभी तो वो बबल फॉर्मेशन आपको दिखाई दिया था स्क्रीन पर और कुछ और प्रोडक्ट्स मिलेंगे अब वो और प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे तो वो प्रॉपर एक रिएक्शन होगा अभी के लिए आपको इतना जा, जानना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और इसी वजह से कहीं ना कहीं बबल फॉर्मेशन हो रही थी अब आप सोचोगे ये कैसे पता चलेगा हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है सोचो सोचो ना तो पता चला कि ग्लास में कुछ बबल फॉर्मेशन हुई एफरवे प्रोड्यूस हुआ तो आखिरकार ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी ये हमें कैसे पता चलेगा तो उस साउंड को हिसिंग सी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही थी ये सब चीजों से हम थोड़ी पहचान सकते हैं कि वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी हाँ हाँ बेटा पता है इस बारे में कि हम ऐसे कैसे जज कर सकते हैं हम तो साइंस के एक्सपेरिमेंट कर सकते कर रहे हैं तो साइंस के एक्सपेरिमेंट में हम आइडिया थोड़ी लगाएंगे हम तो लॉजिकल बात करेंगे तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दैट मीन्स उसको हम चेक करेंगे कि वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड ही थी या कोई और गैस इवॉल्व हो रही थी तो चेक करते हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई या नहीं हुई इस रिएक्शन से उसे चेक करने के लिए व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व एंड इट इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर अगर आप उसे लाइम वाटर से पास करते हैं जिसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर बोलते हैं तो क्या होता है जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे लाइम वाटर से तो मिल्की सा अपेरेंस आ जाएगा और उसी मिल्की अपेरेंस में क्या फॉर्मेशन हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की हो जाती है तो जब आपको टेस्ट ट्यूब में मिल्की सा अपेरेंस शो होगा दैट मींस जो गैस इवॉल्व हुई वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पर ये एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है अगर आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो वो दोबारा से कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा तो मिल्कीनेस नेचर के बाद दोबारा कलरलेस भी होता है तो हमें बस उसी स्टेज पर रुक जाना है जब मिल्कीनेस नेचर आया था टेस्ट ट्यूब में और वही हमारा डिटेक्शन टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा विनेगर और बेकिंग सोडा को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो बबल फॉर्मेशन होती है एंड दैट इज बेसिकली वो बबल फॉर्मेशन इज ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब मुझे ये बताओ जरा क्या ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है यस yes, यस yes, सोचो आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी यस वेरी वेल डन तो ये क्या है एक केमिकल चेंज है तो जब हम बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स कर रहे हैं हमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिल रही है यानी कि द नेचर ऑफ द चेंजेस इज इिवर्सिबल दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और अदर प्रोडक्ट को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या हमें विनेगर और बेकिंग सोडा दोबारा से मिल जाएगा नहीं तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यो आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दी चैनल थैंक यू सो मच